कारीगर नाम तुम्हारे। एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन। कुछ तुम भी पढ़ो, कुछ तुम भी बढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है। सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। इसक मस्ताना, इसक मस्ताना, इसक मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। सच है हम तो है फक्कड़ राम, मस्त मौला, न ठिकाने का नाम न धाम। मैंने अपने को फक्कड़ बताया लेकिन अभी अपना नाम नहीं बताया। लेकिन वो देखिए, वो पेड़ के नीचे देखा ना आपने, उस पेड़ के नीचे शीशे के सामने खड़ा होकर मेरे ही जैसे कदकाठी का एक आदमी जो दूसरे आदमी की हजामत बना रहा है, उसका नाम झुरई है। झुरई, ये कैसा नाम है? तो भाई इस इलाके में ऐसे ही नाम होते हैं। कहते हैं कि झुरई का एक और नाम है लेकिन वह नाम खुद झुरई को भी याद होगा कहना मुश्किल है। झुरई तो झुरई है, और झुरई अगर झुरई नहीं है तो और क्या है? दिन भर घाम में झुराता रहता है, मेरा मतलब धूप में सूखता रहता है। हो सकता है इसीलिए उसका नाम झुरई पड़ गया हो, लेकिन यह हो ही सकता है क्योंकि इस इलाके में कोई भी बात पक्की तौर पर नहीं कही जा सकती। बस एक ही बात पक्के तौर पर कही जा सकती है, जो दातुन मैं कर रहा हूं यह उसी पेड़ से तोड़ी गई है जिसके नीचे खड़ा होकर झुरई एक आदमी की हजामत बना रहा है। तो आइए चलें झुरई के पास। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे भी तो अपनी हजामत बनवानी है। अब मेरा लंबर आ गया। आओ बुधई भैया, बैठो 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 ना। बुधई भैया यहाँ क्या लंबर बंबर। तो आपको पता चल गया ना मेरा नाम बुधई? तुम्हें कौन नहीं जानता, लाठी जैसी दातुन तुम ही तो करते हो 2 घंटा 8 से 10। अरे भाई अब और कुछ नहीं है तो दांत ही माजो, वो कम से कम हंसने पर चमकते तो हैं। यहाँ हंसी भी कब आती है बुधई भैया? झुरई भैया, लग रहा है तुम्हारा धंधा बहुत मंदा चल रहा है। पूछो मत, सारा दिन पेड़ के नीचे शीशा लटकाए बैठे रहते हैं, कोई नहीं करता इधर का रुख। हाँ अगर बकरियां बाल कटाएं तो अलबत्ता खूब चले ये बाल काटने का धंधा भी। मेरी बात मानो तो इस बार बाल लंबे ही रखना, विनोद खन्ना कट या फिर अमिताभ बच्चन कट। तुम भी कितनी पुरानी बात कर देते हो, अरे अब तो आमिर खान और शाहरुख खान का जमाना है। अब इस पेड़ के नीचे बैठकर मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ सो तो है। लो भैया दाढ़ी बन गई, 2 रुपए हो गए। ठीक है ठीक है, कल एक सिर बकरी का दूध दे जाऊंगा। क्या क्या बुधई भैया, दूध का मैं क्या करूँगा, मुझे तो पैसे चाहिए। अब मेरे पास भी नहीं है तो कहाँ से लाऊं? वो तो ठीक है लेकिन मैं दूध का क्या करूँगा? तब तो यही हो सकता है कि जो बाल तुमने छीले हैं वापस चेहरे पर चिपका दो। आप भी कोई मजेदार बात कर ही देते हो। अच्छा अब चलता हूँ, तुम तो कहोगे कि नशेड़ी यार किसका, अदम लगाया किसका, और हाँ कल एक सर बकरी का दूध पीने के लिए तैयार रहना। तो
हो गई आपकी मुलाकात झूरई से ना, और आपने मेरा नाम भी जान लिया। मैं बकरियां चराता हूँ, चरवाहा हूँ, वे होंगी यहीं कहीं आसपास। झूरई बाल बनाता है, वो नाई है, लेकिन वो सामने से जो आ रहे हैं वो कौन है? लो, इनको नहीं पहचाना, ये मात साहब हैं। बोलते हैं तो लगता है कि हाँ कोई पढ़ा लिखा है। हैं भी पढ़े लिखे, एमए बीए से कम नहीं होंगे। वैसे आज पूछूं क्या कि कितना पढ़े हैं? ये पूछने पछोरने का काम मात साहब खूब करते हैं। आज मैं भी कर लेता हूँ। असल में मार्ट साहब में एक ही खोट है, जब भी मिलेंगे कहने लगेंगे सेंटर क्यों नहीं आते। ये सेंटर क्या है? नहीं समझे? ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी। सेंटर का मतलब होता है जहां बुढ़ खुड पढ़ते हो। यही तो मैं कहता हूँ कि मार्ट साहब जब 6 की उम्र में नहीं पढ़े तो 30 में क्या पढ़ेंगे? छोड़िए, लेकिन मार्ट साहब क्यों छोड़ने लगे? जब देखो मार्ट साहब समझाते बुझाते रहते हैं, इसी समझाने बुझाने का तो वो पैसा पाते हैं। तो हमने भी ना समझने की ठान रखी है। आप ही बताइए, बकरी चराने वाले कख अगर पढ़ भी लेंगे तो कौन से बालिस्टर हो जाएंगे? लेकिन अब बातचीत बंद, और चलते हैं मार्ट साहब से हाल चाल पूछने। क्या बात है मार्ट साहब, यहाँ कैसे बैठे हैं? मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। अरे मार्ट साहब, मैं तो कहीं भी मिल जाता हूँ, लेकिन एक बात जरूर देख रहा हूँ, आप कुछ दुबला गए। 10 दिन से बुखार में पड़ा था। तो डॉक्टर को दिखाया होता? अरे इन छोटी मोटी बीमारी में मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास। वैसे भी खांसी जुकाम में डॉक्टर के पास जाओ तो हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ जाती है। वो तो है। दरअसल कुछ दिन बकरी का दूध पीना चाहता था। 2 पाव रोज दूध सुबह सुबह मिल जाए तो? क्यों नहीं मिल जाएगा, इस समय तो 2-2 बकरी का दूध दे रही हैं। अब देखिए, आप इतना पढ़े लिखे होकर बकरी का दूध मांग रहे हैं, उधर पेड़ के नीचे बैठा झूरई कहता है कि अरे भाई, बकरी का दूध बड़ा गुनी माना गया है। गांधी बाबा का नाम सुने हो? वो पीते थे। अच्छा अच्छा बताया आपने। अब तो गाँव में बकरी के दूध का प्रचार यह कहकर करूंगा कि देखो गांधी बाबा तक ये दूध पीते थे। तो ठीक है, कल से शुरू कर दो। बिल्कुल, आपको दूध की सप्लाई और गांव में उसका प्रचार भी। मैं चलता हूँ। अच्छा पुदाई, तुम्हारी नजर में ऐसा कोई आदमी है जो कांजी हाउस में काम कर सके? लो सुनो, जानवरों को हाँकने संभालने में मुझसे बढ़िया कौन होगा? पर वो काम तुम्हें शायद ना मिल सके, क्योंकि वहाँ जानवरों का हुलिया वगैरह लिखने की दरकार होती है। और मैं हूँ निरक्षर। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि गलती तो हो गई, मेरे भाग में तो बकरी चराना ही लिखा है। नहीं तो आप तो पता नहीं कब से कहते हैं चले शान से जीवन नैया, जो हम पढ़े लिखे हों भैया। जीना छोटा कर, मैं चलता हूँ, जब चाहे सेंटर पर आ जाना। और याद रखना, जरा सी पढ़ाई ढेर सी भलाई। लिखना पढ़ना आता होता तो आज कांजी हाउस में जगह मिल जाती। क्या कहो, बड़ा होशियार समझता था अपने को, लेकिन आज सारी अकल ठिकाने आ गई, सारी होशियारी निकल गई। अब आज रात नींद आने से रही। 2 साल से मां साहब कहते हैं, अरे भाई सेंटर जाता तो और कुछ नहीं, तो इतने ज्ञानी आदमी से 2-4 अच्छी बातें ही सीखता। लेकिन मेरे पीछे तो दलिद्दर लगे हैं। बहुत दिन बेहोश रहा, अब तो होश में आ जाना चाहिए, है ना भाई? अरे पुदाई, जरा सुनना। आया लाल भैया। आओ पुदाई, बैठो।
सुनाओ तुम्हारी बकरियों का क्या हाल है? अरे उनका हाल भी मेरे ही जैसा है। तुम्हारा हाल कभी खराब नहीं हुआ? यूं कह लीजिए कि मिमियाने की आदत नहीं है। तुम्हें एक काम के लिए बुलाया था। समझ गया, बकरी का दूध चाहिए? अरे नहीं भाई। तो बकरी चाहिए? नहीं, आदमी चाहिए। वो कहाँ से लाऊं? आदमी थोड़े ही चराता हूँ। देखो पुदई, मेरी बहन का लड़का यहाँ रहने आया, उसे जरा कम दिखता है। कई हकीमों को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए एक आदमी चाहिए जो सुबह सुबह चंपी मालिश कर दे, हो सकता है उसकी नजर में सुधार हो जाए। ऐसा आदमी तो जेब में है। अच्छा, ये कितने दिन के लिए चाहिए? मैं तो चाहता हूँ महीने की रकम बांध दी जाए। 12 महीनों का काम है, बीच में कभी कभी छुट्टी हो जाया करेगी। लाल भैया, आपका काम हो गया समझिए। बस एक शर्त है। वो क्या? सुबह सुबह चंपी करने के बाद वही आदमी मेरे भांजे को किताबों से पढ़कर किस्सा कहानी सुना दे। कर दिया ना गाड़ी के आगे काट खड़ा। अरे लाल भैया, चंपी मालिश करने वाले का पढ़ाई से क्या काम? अब ये तो ना कहो पुदई, आदमी तो ऐसे ही चाहिए और मिलेगा भी। चलो मैं कोई जुगत भिड़ाता हूँ, अब चलता हूँ। मार्ट साहब बकरी के दूध का इंतजार कर रहे होंगे। लो, इस गांव में कोई बकरी का दूध पीता है? लाल भैया, अब ग्राहकों को तो ना ही भड़काइए, गांधी बाबा तक बकरी का दूध पीते थे। अमन को होशियारी क्या? आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ झुरई के पास। उस ससुरे ने थोड़ी भी पढ़ाई की होगी तो उसका काम बन गया समझो। ये लो, रात में सोए नहीं क्या? बकरी का दूध लेकर आए हो? अरे दूध की बात हटाओ, पहले ये बताओ कुछ पढ़ वढ़ लेते हो? सुबह सुबह क्या पढ़वा रहे हो? हाँ, बचपन में 1-2 साल स्कूल गया था। अरे वाह, तब तो पढ़ लेते होगे। अब आदमी भूलता भी तो है। अरे तो भूला हुआ याद भी तो आ सकता है। चल मेरे साथ चल। कहाँ? अरे चल तो सही। कहाँ भाई? चल ना भाई। देखो मुझे अपनी बकरियों की तरह मत घसीटो। अरे तुम्हारे तो कान उमेटने चाहिए जैसे अपने बकरियों के उमेटता हूँ। थोड़ा बहुत और नहीं पढ़ सकता था क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें तो उतना भी नहीं पढ़ने आता जितना मुझे पढ़ने आता है। मुझे 4 अक्षर तो आते हैं। तो उसी बात का तो आज रोना रो रहा हूँ। लगता है तूने ज्यादा भांग पी ली है। बरसों से पी रखी है, बरसों से, इसीलिए अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर सका। मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती। अरे वो देख, कबीरपंथी जा रहे हैं। कबीर मन मया प्रकाशा, उदय भानु जब जीना। सुन भाई आई ज्ञान की आंधी, सुन भाई आई ज्ञान की आंधी। ब्रह्म की डाटी सबे उड़ानी, माया रहे न पानी। सुन भाई आई ज्ञान की आंधी, सुन भाई आई ज्ञान की आंधी। सुन भाई आई ज्ञान की आंधी। मेरी जिंदगी में एक के बाद दूसरी विपदाओं के तूफान आते रहे। माँ को बिना नाम की कोई बीमारी घसीट लेगी। मरने से पहले 2-3 खून की उल्टियां की और मुंह बा दिया। गरीब की माँ भी कैसे मरती। उस दिन कोने में जो स्कूल का बस्ता रखा वो वहीं रखा रह गया। मुझे तो
भांगेड़ियों की संगत लग गई। मामा मुझसे भांग मंगाता था, मैं ले आता था, आधी उसको देता था और चौथाई खुद खा लेता था। लो, आधी मामा को देते थे तो तुम्हारे पास भी तो आधी बचती होगी। अब ना पढ़ो तो आधी का चौथाई ही तो हो जाता है। चलो चलते हैं। अरे पुदई, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी, वैसे मैं आप ही की तरफ आ रहा था। लेकिन ये रास्ता तो मेरे घर का नहीं। अरे उन कबीरपंथियों ने भटका दिया। अच्छा, वैसे सुना है कि आप अपने भाई के साथ। ठीक सुना है तुमने। अब तुमसे क्या छुपाना, मेरे पति का चाल चलन कुछ कम ही ठीक है। हाथ में जो भी मिलता है फेंक कर मारता है। देवी जैसी हमारी बहन को? अब कोई राक्षसी हो तो उसे कोई क्या दिखेगा। भैया मेरी ससुराल गए थे तो मुझे खींच कर ले आए, कहा उस शैतान का जुलम अब नहीं सहना। क्या करे, लाल भैया मुझसे कह रहे थे कि कोई मालिश वाला आदमी हो तो बताना। हाँ, घाव में नमक वाली बात है। लड़का है पर बहुत कम दिखता है, हाथ पांव भी ढीले हैं, लकवा जैसा कुछ लगता है। पास के बैजी ने तेल बताया है लगाने को, कहा है लगाओगे तो आराम मिलेगा। वैसे मालिश करने वालों की तो कमी नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मेरे लड़के की मालिश के साथ उसे कोई कहानी किस्सा भी पढ़कर सुना दे। ये मेरा दोस्त है, इतना भोला कि बस देह पर इसकी उंगलियां पानी में मछली की तरह दौड़ती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेता है, इसीलिए इसको खींचते हुए आप ही के घर आ रहा था। अच्छा, और मुझे बताया भी नहीं। ठीक है भाई, हमें कोई MBA थोड़ी ही चाहिए, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए जिसकी उंगलियों में हुनर तो हो ही, साथ ही वो मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़कर सुना भी दे। सुनो पुदई, भैया से जो तुम्हारी बात हुई है वो इसे भी बता देना, अरे लेन देन के बारे में। ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ, आज शाम को मास्टर माता दीन के सेंटर पर। हम कुछ समझे नहीं। अरे मास्टर साहब ने जो अक्षर ज्ञान की आंधी चलाई है उसमें हम जैसे तिनके थोड़ी दूर तक उड़ भी जाएं तो क्या हर्ज है। थोड़ा सा स्कूल जाना शुरू किया था कि शादी कर दी गई, बस तब से पढ़ाई पर ठकुरैती का ताला ही लग गया। मतलब कि अब जंग लगा ताला खुलेगा। मन तो है कि ताला ही ना खुले, बंद दरवाजे ही खोल दिए जाए। अरे मां साहब, यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? अरे भाई, पढ़ने वालों का इंतजार कर रहा हूँ, बस आते ही होंगे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए दूध शाम में लाया करूँ, इससे ये होगा कि आपके सामने बैठकर कुछ पढ़ लिख लूंगा। अरे वाह, तुम्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, कांजी हाउस वालों से मैंने तुम्हारे लिए बात की है, वो तुम्हें रख लेंगे। शर्त ये है कि 6 महीने के भीतर भीतर तुम्हें लिखना पढ़ना सीखना होगा, और जानवर संभालना तो तुम जानते हो। अरे बात सही, तो गजब हो गया। किस बात पर खुश हो रहे हो पुदई भैया? अरे दीदी, आपको यहाँ देखकर। मैं तो पुदई को यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। एक यही था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। अरे तो बांध दो मार साहब बबूल के खूंटे से। अरे पढ़ना लिखना खूंटा थोड़ी है, ये तो हमें आजाद कराता है। खूंटे से तो हम तब बंधे होते हैं जब हम निरक्षर होते हैं। अब मुझे ही देख लो, मेरा खूंटा मेरा अत्याचारी और अनपढ़ पति था। उसका घर छोड़ा तो लगा सब कुछ अंधेरा है, पर मां साहब से मिली तो लगा नहीं अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने अपने पति का घर छोड़ा है, उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे उसके जुल्म की सजा दिलाऊंगी, अदालत जाऊंगी। सीधी सी बात है, जो पढ़े वो बढ़े। ये तो मां साहब ही थे जिन्होंने मेरे बच्चे के दिमाग में ये बात डाली कि मालिश कराना तो दिमाग के अंदर भी कुछ डालना। तभी से तो मेरा बच्चा जिद किए जा रहा है कि जो मालिश करे वो उसे कुछ पढ़कर भी सुनाए। कला दीदी, मन में एक खटका हो रहा है कि जैसे ही आपने पढ़ाई पूरी की, झुरई की तो छुट्टी।
चिंता मत करो, लाल सिंह की बहन के पास और बहुत सारे काम है। और फिर झुराई की उंगलियों में जो जादू है वो गांव में किसी के पास नहीं। तो भैया अक्षरों की आंधी में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक समझा आपने, मैं एक बैल को हाँक कर कांजी हाउस ले जाना चाहता था। ने हरिया का हरा भरा खेत चर लिया। मैंने बैल से बार बार कहा, देख भैया हरिया बहुत गरीब है, उसका खेत मत चर। लेकिन बैल क्यों मानने लगे किसी की नेक सलाह। बैल तो भैया बैल होता है। भाइयों एक बात कहना चाहूंगा आपसे और उसके लिए माफी भी चाहूंगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बैल जैसा ही होता है। एक बात कहूं आपसे, अब मैं बैल जैसा नहीं हूं। हाँ जब पढ़ा वढ़ा नहीं था तो जरूर कुछ कुछ बैल जैसा था। पुदई, अरे पुदई। सुना आपने, मुझे कोई पुकार रहा है। जब से पढ़ने लगा हूँ और कांजी हाउस में काम कर रहा हूँ तब से पूछने पछोरने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई है। अच्छा लगता है, लगता है कि हम भी कुछ हैं। लेकिन लग रहा है आपसे बातचीत के चक्कर में बैल गया गया होगा मास्टर साहब के साक्षरता केंद्र में, बैल से आदमी बनने। सोचिए मास्टर साहब कितने महान आदमी हैं, जो बिना ये फिक्र किए उन्हें क्या मिलेगा सब कुछ देते हैं। धन्य है मास्टर साहब जो कहते हैं, पढ़ा लिखा हो हर इंसान मिटे गरीबी और अज्ञान। मास्टर साहब तो ये भी कहते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, डगर है यही इसी पर चलेंगे। तो भाइयों मैं भी इसी डगर पर चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा सुस्ता लेने के बाद। पुदई भैया, ओ पुदई भैया। अच्छा तो तुम हो, मैं भी कहूँ कि पुदई चरवाहे की किसे दरकार हो गई। मैं तो कल से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम होगी किस जुगत में लगे हो भैया आजकल। अरे काहे की जुगत, अपने पैर में तो चक्कर लगे हैं, दिन भर जानवरों के पीछे भागता रहता हूँ जानवरों की तरह। तुम बताओ मजे में हो ना, अब तो लाल साहब के यहाँ काम कर रहे हो। उसी को तो रो रहा हूँ, अच्छी सांसद में जान फंसाई है मेरी। तुम्हारा रोना बंद नहीं होगा, चाहे पेड़ के नीचे रहो या हवेली में। क्या हुआ, कला दीदी का लड़का हाथ में नहीं आता है क्या। अब क्या बताऊं, बच्चे पर तो प्यार उमड़ता ही है, नन्ही सी जान पर इतना ज्यादा अन्याय। पर उसकी जिद का मैं क्या करूं, रोज नए किस्से नई कहानियां, कहां से सुनाऊं मैं उसे नई कहानियां। हाँ जितनी सुन रखी थी सुना दी, अब मैं कोई माँ साहब तो हूं नहीं कि पढ़ा और सुना दिया। हाँ बचपन में एक बार स्कूल का बस्ता बंद किया था तो। बंद किया, बंद बस्ता खुल नहीं सकता है क्या। मुझे देखो, मेरे जैसा आदमी जब पढ़ सकता है। हा? काकू बाल अक्षर। अरे वाह पुदई भैया, ये तो अजूबा हो गया, इतना पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता। आ जाएगा, एक बार मास्टर जी के सेंटर पर चलना तो शुरू करो, तुम्हारा सारा भूला हुआ पाठ याद आ जाएगा। चिंता करने की क्या जरूरत है। ये क्या है बा। और बा से क्या होता है। बहुत बढ़िया, अब आप सब लोग लिखिए बकरी। मार साहब ये दूध में धो आधा होता है या पूरा। पूरा धा, देखो ये हो गया दूध। मां साहब ये कटिंग में छोटी ही की मात्रा होगी कि बड़ी की। छोटी ही की, कटिंग कटिंग। तो भाइयों
अनपढ़ रहने की नादानी, हर मोड़ पर परेशानी, लेकिन एक अच्छी खबर है कि मैं पढ़े ही जा रहा हूँ। और मैं भी अपना ही नहीं अपने पड़ोसी का नाम भी लिख लेता हूँ। मैं लाल सिंह के यहाँ काम कर रहा हूँ। और मैं कांजी हाउस में। हमारा जीवन बदल गया। मेरे कपड़े बदल गए। मेरी बोली बदल गई। और मेरी चाल बदल। तो भैया कला दीदी भी गई। क्या मतलब? क्या मतलब कि कला दीदी की भी दुनिया बदल गई। और उसकी नहीं, उस रावण की जो कला दीदी पर हाथ चलाता था। अब ये मत कहो कि उसकी दुनिया बदल गई, उसकी दुनिया तो बिगड़ गई, शेखी लाख की तरह पिघल गई, उसके मुंह में तो राख लग गई। कह दिन बाद 100 पैसे और 16 आने की, दीदी ने कदम आसमान की तरफ बढ़ाए और वो ससुराल रसातल में माफी मांगता है, कहता है मुकदमा वापस ले लो। उरट में कैसी जीरा करती है दीदी। अरे भैया ये अक्षर आदमी को बदल देते हैं। अब मुझे लो। मुझे लो, मिला हुआ काम छूट भी जाए तो क्या, कुछ और कर लेंगे, ये भरोसा है। काम कर रहे हैं तो छूटेगा क्यों, लेकिन अगर छूट ही जाए तो सचमुच ही कुछ कर लेने का भरोसा है। अब तो मैंने नहर की पहरी पर लिख कर लगा दिया है, नूरा हेयर कटिंग सैलून। ये नूरा कौन है? ये मेरी भेड़ का नाम है। तुम्हें भेड़ के नाम पर ही दुकान का नाम रखना था तो मेरी बकरी के नाम पर रख लेते। उसका नाम क्या है? सलोनी। ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो सैलून का नाम रखेंगे, सलोनी नूरा हेयर कटिंग सैलून। तो चलो नाम लिखते हैं, लेकिन एक समस्या है, कटिंग के टिंग में छोटी ही की मात्रा लगाने में मुझे दिक्कत होती है। लो कर दी ना मजेदार बात, टी में छोटी ही की मात्रा लगेगी। ये कहने के बाद पुदई भैया ये भी कह रहे हैं कि ई की मात्रा लगेगी कैसे। आपको हंसी आई? मुझे भी। झुरई पुदई भैया।